बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम अपना जो टॉपिक पढ़ेंगे बीएड के कॉग्निशन एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट का, वो है एरिक्सन थ्योरी ऑफ पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। आप हेडिंग में देख सकते हैं। तो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना हर एक के लिए ज़रूरी है। एक कॉमन टॉपिक है, कॉमन सब्जेक्ट है और हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी लर्निंग होती है। आप किसी को भी अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके बच्चे हैं और जिनके बच्चे होंगे, और दूसरे नंबर पे अपने दोस्तों में, अपने बहन भाइयों में जिनके बच्चे हैं उनको भी आप गाइड कर सकते हैं। बहुत हेल्पफुल टॉपिक है। आई रियली लाइक दिस। तो इसको अपने बड़े अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करनी है, ताकि इसको प्रैक्टिकली आप जब यूज़ करें तो आपको इससे बहुत फ़ायदा हो सके। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यानी कि इसका क्वेश्चन का टाइटल क्या हो सकता है कि एरिक्सन की थ्योरी के पर्सनल डेवलपमेंट उसके मुतालिक कुछ बताएं। तो एरिक्सन ने अपनी किताब जो है, उसकी किताब का नाम है चाइल्डहुड सोसाइटी। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ रेंज की बातें की हैं कि किस एज में क्या डेवलपमेंट होती हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उस स्टेज में पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट एक बच्चे के अंदर कैसे की जा सकती है। तो इस टॉपिक को हमने मुख्तलिफ एरियाज़ या मुख्तलिफ एजेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो इन दोनों में से एक चीज़ बच्चे के अंदर पैदा हो सकती है, और इसकी स्टेज होती है 0-1 years to years, यानी कि यहाँ से बर्थ से लेके 0-1 years तक ये टाइम होता है। तो इस टाइम में बच्चे के अंदर या तो एतमाद पैदा होता है या फिर बदएतमादी होती है। किस तरीके से? जब वो इस दुनिया में आता है, इन्फेंट होता है, नौजायदा होता है, तो साइकोलॉजिकली उसके ऊपर कुछ असरात होते हैं, उसकी जो उसके पेरेंट्स उसको माहौल देते हैं। अगर उसके माहौल में उसके पेरेंट्स उसकी ज़रूरियात पूरी करते हैं और उसको जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था या जो उसकी बेसिक नेसेसिटी जो कि डाइट होती है, खुराक होती है, उसको इन टाइम मिल रही है और वो मुतमैन है और उसको अपनी खुराक के लिए चीखना नहीं पड़ता, तो इट्स मीन कि उसको ट्रस्ट डिवेलप हो रहा है और उसको अपनी जो कायनात है, दुनिया है, उससे मोहब्बत पैदा होगी। और अगर वो ये चीज़ें नहीं पा सकता, जब भी उसको किसी चीज़ की जो ज़रूरत, यानी कि वो भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उसको जो उसकी ज़रूरत है इन टाइम पूरी नहीं होती, तो वो दुनिया से खौफ ज़्यादा होना शुरू कर देता है और ये देर पा रहता है, फिर उसकी ज़िंदगी पे हमेशा उसका एक हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए जो बच्चे की नुजायदा बच्चा है, उसकी ज़रूरियात जो पेरेंट्स हैं उनको इन टाइम पूरी करने से बच्चे के अंदर ट्रस्ट पैदा हो सकता है, वो खुश रह सकता है। इसके बाद दूसरा जो एरिया आता है वो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। दूसरा जो हमारा टॉपिक जो बच्चा डेवलप करता है पैदाइश से लेके, उसको ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसमें क्या है कि इसकी जो एज पीरियड होता है, ये बच्चे के 2 साल से लेकर 3 साल का जो पीरियड होता है उसमें ये होता है। ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है? उसके पास पावर होती है जो वो करना चाहता है। वर्सेस क्या है? शेम एंड ट्रस्ट, शेम एंड डाउट। जब वो कुछ करता है, कुछ गलत हो जाए, उसको दूसरे बुरा भला कहें, उसको ताने दें कि तुम ये नहीं कर पाए या क्यों कर रहे हो, या कुछ ऐसे बच्चा होता है वो सीखने की स्टेज में होता है, गलतियाँ करता है, तो
उसके अंदर, या तो फिर अगर उसको रोक टोक नहीं है उसकी जो परवरिश में ये चीज़ हो रही है, तो ऑटोनमी उसके अंदर आती है, क्रिएटिव होता है। व्हेन चिल्ड्रन लर्न टू ट्रस्ट और मिसट्रस्ट देयर पेरेंट्स, दे डिमांड सम डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। जो बच्चे हैं उसको थोड़ी सी आज़ादी चाहिए, वो ये चाहता है कि उसकी अपनी मर्ज़ी से वो मूव करे, जो करना चाहे वो कर सके। अगर उसको रोका जाए तो फिर क्या है कि उसकी वो सलाहियतें जो हैं वो दब जाती हैं। इफ़ दीज चिल्ड्रन आर गिवन परमिशन एंड इनक्रेजमेंट व्हेन दे डू समथिंग ऑफ देयर इंटरेस्ट, ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑटोनमी विल डिवेलप इन दैम। जब उनको वो जो चाहते हैं, खेल कूद जो भी, तो उनको ये माहौल मिलता है, उनको इजाज़त मिलती है कि ये करने की, वो जो करना चाहते होते हैं, तो उनके अंदर ऑटोनॉमी डिवेलप होना शुरू हो जाती है, खुद मुख्तारी, वो खुद सोचते हैं चीज़ों को। जबकि पेरेंट्स एंड टीचर शुड अवॉइड शेमिंग देम व्हेन दे डू समथिंग रॉन्ग। अगर उनसे कुछ गलत हो जाए तो उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, और उनको उन अगर इस तरह होगा बुरा भला कहने से, तो वो अंदर की जो उनकी सलाहियतें हैं, तो वो उस पर डाउटफुल होना शुरू हो जाएंगे, उनको शक होना शुरू हो जाएगा कि वो इस काबिल हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। और ये 4 to 5 years की एज तक होता है टाइम पीरियड इसका, 4 से 5 साल तक का। यानी कि इनिशिएटिव होता है मतलब पहल पहल करना, कोई भी काम करना हो तो पहल करना। और अगर वो कुछ फिजिकली करता है या बोलता है या कुछ ऐसी उसकी इनिशिएटिंग एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं, तो उनको उसमें एनकरेज करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि मतलब दाद देनी चाहिए, ज़बरदस्त कहना चाहिए, उनकी हर तरह से हौसला अफजाई होनी चाहिए। तो इससे जो क्या है वो इनकरेजमेंट उनकी होती है। अगर नहीं करेंगे तो वो गिल्ट फील करेंगे, और जब उनसे पूछेंगे कि ये तुमने क्यों किया, कैसे किया, या उनको बुरा भला कहेंगे, तो वो एक जैसे एक मुजरिम की हैसियत होती है, या इस तरह का एक एटीट्यूड होता है, तो वो बन जाता है। तो इसके अंदर इनिशिएटिव पैदा करने के लिए बच्चा जो भी करे उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए उसको मशवरा दिया जाए, उसको बुरा भला ना कहा जाए, उसको स्कोल्ड ना किया जाए, उसको इन्वेस्टिगेट ना किया जाए हर बात से। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। व्हेन चिल्ड्रन कैन स्पीक एंड डू सम फिजिकल एक्टिविटीज़, दे स्टार्ट इनिशिएटिंग थिंग्स, दिस शुड बी इनकरेज्ड, अदरवाइज दे विल फील गिल्टी व्हेन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड और स्कॉल्डिंग। तो इसमें ये एरिया जो है इस पे अपने इंकरेजमेंट उसकी करनी होती है, बजाय इसके कि उसको किसी चीज़ से रोकें टोकें। और इसके बाद अगला जो स्टेज आती है वो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी। तो ये स्टेज आती है 6 साल से लेके 11 साल के पीरियड तक, और इसमें बच्चे को इंडस्ट्री का मतलब ये है कि उसके अंदर क्रिएटिव चीज़ें हों, वो चीज़ें जो जो वो अपने इर्द गिर्द अपने इन्वायरमेंट से इनपुट ले रहा होता है, और उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, और अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट बनती है। तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट इंडस्ट्री का भी यही मैकेनिज़्म होता है। तो बच्चे के अंदर भी चीज़ें इनपुट आ रही होती हैं, उनको मेंटल जो उनकी कैपेबिलिटी है जहनी सलाहियत की बेस पे वो उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें से जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है उसी की बेस पे वो आगे लेके अपने अंदर कोई ना कोई दुनिया बसा रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो है बच्चे के अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज़ पैदा करनी चाहिए। अगर क्रिएटिव उनको माहौल नहीं मिलेगा तो वो ये फील करेंगे कि वो ये नहीं कर सकते। जब वो ये नहीं कर सकते का कंसेप्ट बना लेते हैं, सोच बना लेते हैं, तो इन्फेरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। यानी कि वो ये समझते हैं कि मैं दूसरों से कमतर हूँ और मैं ये नहीं कर सकता। दिस इज़ स्कूल गोइंग एज एंड चिल्ड्रन एट दिस पॉइंट आर एट द पीक ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। जब बच्चों के स्कूल जाने का वक्त होता है तो ये वो एज होती है, और उसमें बच्चे बहुत जो है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, यानी कि उनके अंदर नई चीज़ें, नई सलाहियतें परफॉर्म करने की पीक होती है। जितना उनको आप अच्छा माहौल देंगे वो उतना करेंगे। दे वर्क
हार्ड एंड डेवलप ए सेंस ऑफ इंडस्ट्री, वो मेहनत करते हैं और ये सोचते हैं कि वो कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। द डेंजर एट दिस स्टेज इज दैट चाइल्ड मे हैव फीलिंग अनएबल टू डू थिंग्स एंड चिल्ड्रन मे फील इन्फीरियर, और ये मुमकिन तौर पर हो सकता है कि जब ये चीज़ें उसको मैसर नहीं हों तो वो ये फील करे कि वो ये काम नहीं कर सकता, वो दूसरों से कमतर है। तो जब ये चीज़ होगी तो उसके लिए ये डिस्ट्रक्टिव है। इससे नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। और ये 12 से 18 ईयर की होती है, यानी कि वो या तो पहचान करता है कि वो है क्या, उसकी अपनी क्या एग्जिस्टेंस है, वो अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता है। अगर वो ये चीज़ें कर लेता है, अपने आप को अपनी सलाहियतों पे उसको एतमाद है, जो बोलता है उसको लगता है वो ठीक है और उसको बेहतर से बेहतर कर सकता है, वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है और उनको बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। अब जब अगर किसी को ये चीज़ मैसर नहीं है, उसके जो पहले हमने सारे एरियाज़ का वर्क किया, यानी कि उसके अंदर मिसट्रस्ट थी, उसकी शेम एंड डाउट की जो एक स्टेजेस से गुजरना पड़ा, या फिर उसको गिल्ट होता था, या इन्फिरिटी का कहीं वो जो है कम्प्लेक्स का वो विक्टम हो गया, तो अब जो है वो स्टेज आ जाती है कि वो उसका जो रोल है अपना इस कायनात में जो आया है, उसका जो किरदार है अपने मुआशरे में अपने दोस्तों में, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसको पहचान बनानी चाहिए, उसको माहौल देना चाहिए वो जो करना चाहता है वो कर सके, दूसरे दोस्तों के साथ मिल सके, अपने रिश्ते उसके डिवेलप हों, उसकी एक सोसाइटी हो, उसकी एक सोशल लाइफ हो। इफ़ चिल्ड्रन आर सक्सेसफुल इन अचीविंग इंडिपेंडेंस इन वेरियस सिचुएशन सक्सेसफुली, यानी कि ये जो माहौल होता है वो कामयाबी से तय कर लेता है और अपनी पहचान को डिवेल्प कर लेता है, तो बेहतर हो जाता है। अगर ये नहीं कर पाता तो अपने रोल में वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, एंड इफ़ नॉट रोल कन्फ्यूजन रिजल्ट स्पेशली इन सेक्सुअल एंड ऑक्यूपेशनल मैटर, यानी कि जो उसकी जिन्स है उसके मुतालिक उसको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो उसका पेशा है, पेशे की हैसियत है, वो कोई भी अपना पेशा अपनाता है तो उसमें भी वो कन्फ्यूज़ हो सकता है। तो इससे अगली जो स्टेज हमारी आती है वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसका मतलब ये है, यंग अडल्टहुड जो है, ये जो एज होती है यंग अडल्टहुड होती है, यानी कि 18 ईयर के बाद ये शुरू हो जाती है और जाती है 30s तक। तो इसमें क्या है कि दिस इज़ द स्टेज ऑफ मैक्सिमम सोशलाइजेशन, ये सोशलाइज होने का टाइम होता है जिसमें वो सोसाइटी के अंदर अपनी एक जगह बनाता है। दिस इज़ द मैक्सिमम सोशलाइजेशन। इफ़ इंडिविजुअल सक्सीड इन डेवलपिंग दीज इंटीमेटेड रिलेशनशिप विद अदर, यानी कि उसके ताल्लुक दोस्त, उसकी एक सोसाइटी बन जाती है इर्द गिर्द का, इसका एक टाइम बन जाता है विद पर्सन, देन इट इज़ गुड, अदरवाइज दे विल बी आइसोलेटेड। अगर उनकी सोसाइटी नहीं बन पाती, इसमें वो फेल होते हैं या हर्डल्स आती हैं उसके पेरेंट्स की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, या फिर किसी ऐसे नाज्ञानी प्रॉब्लम की वजह से वो फंस जाता है जिसमें उसके दोस्त वगैरह नहीं बन पाते, तो फिर वो क्या होता है, तनहाई का शिकार हो जाता है, बिकम्स द विक्टम ऑफ आइसोलेशन। जो अगली स्टेज इसके बाद आती है हमारी वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। तो जनरेटिविटी का मतलब होता है जनरेट करना, और वर्सेस स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मतलब होता है एक ही जगह पे जो रहे, उसकी मूवमेंट ना हो, स्टैग्नेट ना है, यानी कि उसके अंदर कोई एक पैशन ना हो। और ये नॉर्मली मिडल एज होती है, मिडल एज आपको पता है 25 से लेके 35 तक 40 तक जाती है, मिडल एज का टाइम पीरियड होता है। इसमें जनरेटिविटी मीन्स दैट अडल्ट शुड इन्वॉल्व themselves in the sort of activity that have healthy and encouraging effect on young generation पर healthy environment, healthy चीज़ें वो
डेवलप कर रहा है उस पर असरअंदाज हो रही है. दोज अडल्ट्स हु फेल टू डू एनी जेनरेटिव वर्क बिकम स्टैगनेंट एंड रिमेन इन सेल्फ अब्जॉर्प्शन. तो इनके अंदर जो ड्रॉबैक आ जाता है सेल्फ अब्जॉर्प्शन का, कि जो भी उनको दुख हो, जो भी उनका दर्द हो, या जो भी उनकी सोच हो, वो लिमिटेड रह जाती है और वो चीज़ें अब्जॉर्ब करने पे आदी हो जाते हैं और मूवमेंट उनके अंदर कम से कम होती है और सलाहियतें दब कर रह जाती हैं. ये है जेनेटिविटी और ये मिडल एज का टाइम होता है. इसके बाद जो हमारा लास्ट एक स्टेज होता है उसमें इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर. यानी कि या तो उसके अंदर एक बड़ा स्ट्रेंथ पैदा आ जाती है, इंटीग्रेट हो जाता है दूसरे माशरे के साथ, या फिर वो मायूसी की दुनिया में चला जाता है. और ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है. इंटेग्रिटी मीन्स वन शुड टेक लाइफ एज वन एंड अ होल. यानी कि ज़िंदगी को वो मुकम्मल तौर पर देखता है, चीज़ों को जोड़ के एक हर एक प्रोसेस उसका हिस्सा लगता है और उसको सेगमेंट्स में नहीं लेता, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में नहीं लेता कि ये जो चीज़ें हैं इंसिडेंटल हैं, बल्कि वो चीज़ों को कोहेरेंटली करता है. जो करता है वो आगे उसके रिजल्ट्स आते हैं और इन प्रोसेसेस में वो इन्वॉल्व होता है. कहीं पे उसकी एक्टिविटीज़ लिमिटेड जब हो जाती हैं तो वो सेगमेंटेशन का विक्टिम हो जाता है. इफ़ वन मेक्स कलेक्टिव इंटीग्रेटेड अदरवाइज ही विल फेल इनटू डीप डिस्पेयर विच रिटार्ड्स वन लाइफ. तो ज़िंदगी मायूस हो जाती है जब चीज़ें इंटीग्रेट नहीं कर पाती, लिंकअप नहीं हो पाती, यानी कि ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, जो उसका रोल है, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उससे एक्सपेक्टेशन की जाती हैं, या अल्टीमेटली वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस. तो ये अगर कोहेरेंटली चीज़ें अगर हो जाएं तो इंटेग्रिटी आती है. अगर ये चीज़ें ना हो पाएँ तो जो ज़िंदगी में एक मायूसी आ जाती है और ज़िंदगी का जो असल एक ब्राइटनेस है वो ख़त्म हो जाती है. तो ये थी जो इंसान के अंदर मुख्तलिफ स्टेज के अंदर जो रोल आते हैं, जो उसको माहौल होना चाहिए, जैसे एक डेवलपमेंट जैसी कैफियत या उसके अंदर कॉग्निशन चीज़ें, ये चीज़ें अगर सही तरीके से चलें तो कॉग्निशन एंड डेवलपमेंट एक पर्सनालिटी की बेहतर से बेहतर हो सकती है. तो आप भी अपने इर्द गिर्द हर चीज़ पे, हर इंडिविजुअल पे, जो जो भी आपका रोल है, बीइंग मदर फादर और ब्रदर सिस्टर, जो भी है आपका, आपके छोटे बड़े कोई ना कोई आपसे अटैच है, हर एक को देखें वो किस स्टेज पे है और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है. स्पेशली जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से बेहतर इस माशरे का एक हिस्सा बना सकते हैं और किस तरीके से वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर अपना बेहतर से बेहतर रोल अदा कर सकता है. और जो वो रोल अदा करेगा वो एज़ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेरेंट्स होगा. तो अदरवाइज़ आप प्रेशराइज करके, डायरेक्टली फोर्स करके चीज़ों को सीधा नहीं कर सकते. कुछ फिनोमेनाज होते हैं जिनको समझना समटाइम हमें ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती. ये लाजमी जुज़ होना चाहिए हर इंसान की ट्रेनिंग का, कि उसको किस स्टेज में क्या चीज़ें हो रही होती हैं और कैसे करनी चाहिए. और पेरेंटिंग के लिए भी ये एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसमें बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए वालदैन की तरबियत की जाए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें पाकिस्तान में मौजूद नहीं है. लेकिन अगर हमें मौका मिले तो हमारे माशरे में जो चीज़ें ऐसे हो रही हैं तो हमें उनको जो है वो रोक के बेहतर से बेहतर करने के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह.